हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मासिक मूल्यांकन 2023-24 कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का जो भी आपका पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, साथ में आपको प्रोजेक्ट कार्य के भी उत्तर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सभी विषयों के मासिक आकलन के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर। तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे सभी विषयों की जो है मासिक आकलन की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आपका वो 25 नंबर का होगा, तो इस वीडियो में हम आपको सभी के उत्तर भी बताएंगे। वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको जो है पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे हम आपको आंसर बताएंगे वैसे ही आपको अपने पेपर में आंसर लिखना है। तो देखिए ध्यान से देखना है वीडियो को। तो आपके पहले जो तीन क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के हैं, सभी के आंसर हम आपको लिख के दिखा देते हैं। तो देखिए कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान, तो पहला क्वेश्चन है मृदा निर्माण का कारक नहीं है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा भूकंप। दूसरा है अनवीनीकरण संसाधन है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा कोयला से उत्पन्न ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है पृथ्वी का कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है, तो इसमें आपको जो है 2% आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसमें चार चार ऑप्शन मिलेंगे, पर जो राइट वाला है हमने यहाँ पे वही लिखा है, ब्लैक पेन से लिखा हुआ क्वेश्चन और ब्लू पेन से आपको जो इनके आंसर आपको याद करने हैं। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा, पुनः जागरण का स्पष्ट स्वरूप स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर के हिसाब से आपको इसका आंसर लिखना है। तो इसमें पहले आपको पुनः जागरण का हमने यहाँ पे अर्थ लिखा है 2 लाइन में, उसके बाद उसकी विशेषताएं बतानी है, स्वरूप या विशेषताएं एक ही बात है। तो 4 पॉइंट हमने डाल के उसके विशेषता के लिख दिए हैं, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं करना है 2 नंबर में, बस खाली आप हेडिंग डाल सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5वां आ जाता है, विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, ये तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, तो ये भी आपका 2 नंबर का ही है, प्रश्न नंबर 6 भी आपका 2 नंबर का ही प्रश्न है, पृथ्वी पर संसाधन असामान्य रूप से क्यों वितरित है, तो इसका आपको आंसर लिखना है। तो 2 नंबर में 3 या 4 लाइन में भी आप लिख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, याद करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। जो आंसर आपकी मैम ने लिखवा रखा है आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7वां जी लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएंगे, 3-3 नंबर वाले, सामंतवाद का पतन किस कारण हुआ था, तो ऊपर हमने प्रश्न लिखा है, नीचे साथ में इसका आंसर भी लिखा है। विद्वानों का मानना है कि 14वीं शताब्दी में सामंतवाद का धीरे धीरे पतन होना लगा था, तो इसमें आपको कारण बताना है, तो 2 या 3 लाइन में आप इसका लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8वां, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको लिखना है 3 या 4 लाइन में, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है। इतना आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, अगर आप बड़ा लिखना चाहते हैं तो बड़ा लिख सकते हैं, जो भी आपके टीचर ने लिखवाया आंसर, ठीक है, नहीं तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सभी विषयों की जो सब्जेक्ट की मासिक आकलन की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 9, देखिए प्रदूषण क्या है, इसके रोकथाम के उपाय लिखो, तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको थोड़ा बड़ा लिखना है। पहले आपको प्रदूषण का अर्थ लिख देना है, उसके बाद इसके रोकथाम के उपाय लिखने हैं, हेडिंग डाल के आप रोकथाम की उपाय लिख सकते हैं, ठीक है, थीके? जैसे 1, 2, 3, 4 या 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं, जितना आपका मन हो, जितना आपसे याद हो जाए। तो देखिए परिवहन द्वारा फैलाए जाने वाले धुएं से उत्पन्न वायु प्रदूषण पर रोक लगाना, वृक्षारोपण के लिए लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना, तो ये आपको जो है रोकथाम के उपाय यहाँ पे लिखने हैं। तो स्टूडेंट, हमने आपको सामाजिक विज्ञान के मासिक मूल्यांकन के सभी आंसर्स बता दिए कक्षा 8वीं के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, किस सब्जेक्ट के आपको वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आने वाले सभी मासिक मूल्यांकन के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके जो है अच्छे नंबर आ सके। और प्रोजेक्ट कार्यों के वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे चैनल पर जाके स्टडी टॉक पर जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।